हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी बहुत ही खूबसूरत सा ब्लाउज का डिज़ाइन। ये देखिए, मैंने 16 इंच इसकी लंबाई रखी है। ये 34 नंबर की ब्लाउज है और प्रिंसेस कट है, ठीक है। ये 7 इंच हमने इसका तीरा रखा है और 7 इंच ही हमने इसका आर्म होल भी रखा है। ये देखिए, और 8 इंच पे एक हम निशान ड्रॉ कर लेंगे, 2 इंच का मार्जिन रख लेंगे। उसके बाद एक सीधा लाइन, 1 इंच हम गुलाई देंगे इसका ब्लाउज में, जो आर्म होल में गुलाई पड़ता है वो। ये देखिए, इसका बैक का डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत है, आप एक बार ज़रूर बना करके ट्राई करें। और मैंने फ्रंट से इसे प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाया है और उसमें मैंने एक ट्विस्ट डाला है कि मैंने प्रिंसेस कट में भी फ्रंट ओपन बनाया है, ठीक है। जिन्हें पूरा बंद पसंद नहीं है वो उसमें फ्रंट ओपन मैंने बना दिया है, ताकि आप में से जिनको भी पसंद ना हो वो इस तरह से नॉर्मल ब्लाउज के जैसा आप बना सकते हैं। ऊपर से देखिए, गले के लिए मैंने 3 इंच रखा है और नीचे से मैंने 6 इंच रखा है, ठीक है। और इस तरह से हम ऐसे बना लेंगे। ऊपर से मैंने 10 इंच पे एक मार्क किया है, जैसे हम मार्क करते हैं ना टेकिंग के लिए, उस तरह से। और 3.5 इंच इसका चौड़ाई लिया है मैंने, और एक इस तरह से तिरछा आर्म होल के साइड से एक गुलाई दे दे उसमें। उसके बाद फ्रंट वाले पार्ट को ही हम इस कपड़े पे अच्छे से सेट कर देंगे और बस इसकी लंबाई हम 1/2 इंच कम कर देंगे, ठीक है। ये देखिए, मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया है, बस 1/2 इंच मैंने इसका लंबाई कम कर दिया है। उसके बाद जब आर्म होल में जाएंगे हम, तो इसका आर्म होल हम 1/2 इंच बढ़ा देंगे, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से अब हमने जो फ्रंट का नेक बनाया था वो नेक हम कट कर देंगे। उसके बाद अब हम बैक का लेंगे और फ्रंट में हम 1/2 इंच और आर्म होल की छटाई कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से अब इसको हम हटा देंगे। मैं एक नेक बना रही हूँ, आप चाहो तो पहले, मैंने पेपर पे ड्रॉ कर लिया है, आप चाहो तो पहले आप पेपर पे ड्रॉ कर लो और फिर बनाओ। मैंने इस फ्रंट में, इस नेक में मैंने 3.5 इंच इसकी चौड़ाई रखा है, ये देखिए, और 2 इंच की इसकी गहराई रखा है, ये देखिए। और उसके बाद हमने 2 इंच ऊपर से छोड़ दिया है, ठीक है। इसमें 2 नेक बनेंगे फ्रेंड्स, और 5 इंच का हमने इसमें फिर से चौड़ाई लिया है, ठीक है। और उसके बाद वहीं से मैंने नाप करके 6 इंच रखा है। उसके बाद एक हम तिरछा इस तरह से 5 इंच वाले निशान को 6 इंच वाले निशान से बिल्कुल नीचे से मिला देंगे, ठीक है। इसमें अब कोई डिजाइन आपको डालने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे चौड़ाई है, चौड़ाई को आप जहाँ तक लंबाई है 6 इंच का जो मैंने नापा है वहाँ पे आप मिला दें, ठीक है। अब हम इसमें स्लीव कट करेंगे, तो स्लीव के लिए हमने 10 इंच लिया है फ्रेंड्स। उसके बाद एक लंबा लाइन ड्रॉ कर देंगे हम, ये देखिए, और 3 इंच हम ऊपर से डाउन कर देंगे, ठीक है। और एक तिरछा निशान लगा देंगे इस तरह से, ये देखिए फ्रेंड्स, और इस तरह से हम कट कर देंगे। और नीचे से हल्का कपड़ा ज़्यादा है तो उसे हम छाट देंगे, ठीक है। एक साइड का स्लीव खोल करके हमें 1/2 इंच तक डाउन कर देना है, ठीक है। ये देखिए, इस तरह से ये हमारा कट चुका है। अब हम मेन फैब्रिक पे रख के काटेंगे फ्रेंड, तो बिल्कुल हमें कुछ भी नहीं करना है। जैसे हमने लाइनिंग का कपड़ा कट किया है, बिल्कुल उसी तरह से आप मेन फैब्रिक पे रख के भी इसे कट कर दें, ठीक है। लाइनिंग वाला ब्लाउज में थोड़ा सिलने में प्रॉब्लम होती है, तो आप चाहो तो इसमें
टाके भी लगा सकते हो, टाके लगा के फिर आप इसे सिले, ठीक है। ये देखिए इस तरह से, और मैंने फिर से फ्रंट वाले पार्ट को ऐसे सेट कर लिया है। और इस तरह से हम पूरा उसी तरह से हम फिर से कट कर लेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए, और स्नेक को भी हम इस तरह से कट कर लेंगे। और देखिए प्रिंसेस कट में हमें कैसे कट करना है, आर्म होल की तरफ से ले जाना है और आधा इंच नीचे की ओर से हमें डाउन कर देना है, ठीक है। ये हो गया आपका प्रिंसेस कट। अब हम आधा इंच इसका कंधा डाउन करेंगे कि जब भी आप बोट नेक बनाएं या कॉलर वाला नेक बनाएं तो उसमें आपको आधा इंच कंधा डाउन करना होता है, तो आप आधा इंच कंधा डाउन कर दें। ये देखिए इस तरह से। अब हम स्लीव का कट करेंगे। स्लीव में कपड़ा कम है फ्रेंड्स, तो हमें जोर लगाना होगा, तो हम बाद में इसे कट करेंगे। अब हम बैक का नेक कट कर रहे हैं। ये देखिए आप इससे ज़्यादा डीप चाहें तो आप इससे ज़्यादा डीप भी बना सकते हैं, मैंने इसमें ज़्यादा डीप नहीं बनाया है। ये देखिए ये डिजाइन होगा, देखिए फ्रेंड्स। अब हम चलते हैं मशीन पे और देखिए पहले जो मैंने प्रिंसेस कट का टुकड़ा टुकड़ा कट किया था वो सब पे सिलाइज लगा लेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। इस तरह से मैंने इस पे भी सारे पार्ट पे जितने भी पार्ट है प्रिंसेस कट में, आगे वाले फ्रंट वाले में, सब पे हम एक एक सिलाई लगा देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप सिलने में इसे आसानी होगा। बीच वाले पार्ट को भी हम इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए। अच्छे से जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा हो उसे निकाल दें। इस तरह से मैंने पूरे पे चला लिया था। उसके बाद अब हम उस टुकड़े को जॉइंट करेंगे, जिस तरफ से हमने कट किया था उसी तरफ से फिर से रख के उसे जॉइंट कर देना है। जहाँ से हमने कट किया था फ्रेंड्स उसी सेट को आपस में मिला देना है, ठीक है। अगर आर्म होल की तरफ से कपड़ा एक्स्ट्रा बचता है तो कोई बात नहीं, उसमें जब हम आर्म होल की गुलाई देंगे तो उसमें हम उसे कट कर देंगे। बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है आपको, तो धीरे धीरे इसे सेट करें। जितना अच्छा से आप सेट करिएगा उतना अच्छा ये उभर के आएगा। ये देखिए उसी तरह से हम दूसरे साइड भी इसे जॉइंट लगा लेंगे। अब हम नेक बनाएंगे फ्रेंड्स। फ्रंट का नेक, जो बैक का नेक हमने कट किया था उसमें मेन फैब्रिक में हमने कट नहीं किया था। अब हम उस पर रख करके अच्छे से, आप इस गले को बिना बुकरम के भी बना सकते हो, आप चाहो तो इसमें बुकरम भी लगा सकते हो। मैंने बिना बुकरम के गला बनाया है और बहुत ही आसानी से आप इसे बना सकते हो। बिना बुकरम के भी गला बहुत फिनिशिंग के साथ बन के आता है। अब इसे अच्छे से हम कट कर लेंगे बीच वाले कपड़े को, और चारों तरफ से हम कपड़ों को आधा आधा मार्जिन देकर के कट करेंगे। और जितना भी
कट करने के बाद बचेगा उसमें हम हल्का हल्का कैंची से कट लगा देंगे, ताकि जब गला हम पलटें तो अच्छे से फिनिशिंग के साथ ये पलट के आ जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इस पर हम हल्का हल्का सा कट लगा देंगे ताकि हमें पलटने में आसानी हो। ये देखिए मैंने पलट लिया है, अब इस पर हम एक सिलाई लगा देंगे। इस तरह से अच्छे से सेट कर करते हुए हमें इस पर एक सिलाई लगा देना है। जितना आप अच्छे से सेट कर सकते हो उतना अच्छे से सेट करने से गला अच्छे से फिनिशिंग के साथ निकल के आता है। तो इस तरह से आप पूरे नेक पे सिलाई लगा लेंगे। फिर हमें ऊपर का नेक बनाना होगा, क्योंकि इसमें हमने दो नेक कट किया था। प्रिंसेस कट ब्लाउज का ये बहुत ही आसान तरीका है। जिन लोगों को फ्रंट ओपन चाहिए उन लोगों के लिए बहुत ही आसान है। ये देखिए ऊपर से मैंने 3.5 इंच लिया है और नीचे से 2 इंच पे एक मार्क कर दिया है। ये देखिए इसके बाद अब इसे हम कट कर लेंगे फ्रेंड्स। कट करने के बाद हम इसमें उरेप पट्टी लगाएंगे। उरेप पट्टी देखिए मैंने इसमें लगा दिया है। अब इसको मोड़ करके अच्छे से इस पर एक सिलाई चला लेना है। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक इसमें बचता है उसको हम कट करके हटा देंगे। देखिए जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे मैंने कट करके हटा दिया है। ठीक है, ये नेक बच गया है। अब देखिए मैं इसमें फ्रंट वाले पार्ट में मैंने दोनों पार्ट को बीच से अलग अलग कर दिया है, जैसे हम नॉर्मल ब्लाउज में करते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमने इसमें कर दिया है। उसके बाद हमने 1.5 इंच का एक पट्टी लेकर के इसमें ज्वाइंट किया है। फ्रेंड्स हमको बिल्कुल नॉर्मल ब्लाउज की तरह ही बनाना है। ये एक नया ट्रिक है जिसे आप आसानी से घर पे बना सकते हो, जो बैक से नेक खुला ना हो तो आप उस जिप ना लगाने के वजह से, अगर आप जिप नहीं लगाना चाहते हो तो आप इस तरह से भी बना सकते हो। ठीक है, ज़्यादातर प्रिंसेस कट ब्लाउज में या तो बैक ओपन रहता है या फिर जिप लगाना पड़ता है, तो आप चाहो तो इस तरह से कर सकते हो, इसमें जिप लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए फ्रेंड, अब हम इस नेक में भी पट्टी लगाएंगे। पूरे पट्टी कट करके हमें इसे नेक में भी लगा देना है। अच्छे से इसे सेट करके इस पे एक सिलाई लगा देनी है। दोनों साइड में हमें इसी तरह से करना है और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट करके हटा देंगे। अब हम स्लिप ज्वाइंट करेंगे फ्रेंड। तो स्लिप जो भी आपका नाप हो उस तरह से आप स्लिप ज्वाइंट कर ले। मैंने साइड भी ज्वाइंट कर लिया है अपने अकॉर्डिंग, जितना मुझे चाहिए था 32 साइज में 8 इंच के हिसाब से, तो मैंने ज्वाइंट करके स्लिप भी मैंने अटैच कर लिया है। अब मैं इसमें आपको लटकन बनाना बताऊंगी। लटकन बनाने के लिए आपको 4 इंच की पट्टी लेना है, जिसे उरेब में जैसे मैंने फोल्ड किया है उस तरह से फोल्ड करके इस तरह से एक सिलाई लगा देनी है और उसे फिर पलट लेना है फ्रेंड्स। इस तरह से आप